फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय शॉपिंग कार्ट। आप लोगों को पता होगा मैंने लास्ट वीडियो में एक इंडक्शन कुकटॉप दिखाया था, तो उसके लिए मैंने यूटेंसिल्स जो इंडक्शन बेस होता है तो वो चाहिए था। मैंने स्टेनलेस स्टील का एक ऑर्डर किया था अमेजोन से, तो वो आज आ गया है। ये 2 दिन के अंदर आ गया है डिलीवरी, तो वो ही मैं आज दिखाऊंगी। वो प्रिस्टन ब्रांड का है, तो कैसा है मैं ओपन करके बताती हूँ। इसमें एक कढ़ाई और एक इसमें एक कढ़ाई लिया है मैंने। ये दो दो बर्तन है, इसमें एक कढ़ाई है और एक तवा टाइप का है, और उसके साथ लीड भी है। एक पैकेजिंग करते हैं, अमेजोन का पैकेजिंग अच्छा ही रहता है। थ्री पीस सेट है, मतलब एक लीड भी है इसके साथ और दो ऐसा है, और स्टेनलेस स्टील का है। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1095 पड़ा है ये इसका ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस है इसका 1300। ये देखिए ओरिजिनल प्राइस 1314 रुपीज़ है इसका प्राइस। इस ब्रांड का, इस मॉडल का दूसरा भी है, उसके साथ सॉस पैन भी है। सॉस पैन मुझे ज़रूरत नहीं था तो वो वाला नहीं लिया है, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता। इसका सैंडविच बेस है, देख सकते हैं। ये इंडक्शन में भी चलेगा, नॉर्मल गैस स्टोव में भी चलेगा, बहुत ही हेवी है। ग्लास लीड के साथ आता है तो दिखने में भी अच्छा लगता है। इधर एक छोटा सा वेपर जो होता है वो निकलने के लिए है। बहुत हेवी तो नहीं है, मतलब हेवी है, अच्छा खासा हेवी। इसका बेस सैंडविच बेस है, देख सकते हैं, 3 लेयर का शायद है ये। और ये स्टेनलेस स्टील का है, इसके साथ भी ये अच्छे से बैठता है। और ये जो फ्राइंग पैन है ये प्रिस्टन का है, PRISTINE प्रिस्टन ब्रांड का है। लीड बहुत ही हेवी है। और इसका भी सैंडविच बॉटम है, जिससे कि खाना बिल्कुल भी नहीं जलता है और नहीं चिपकता है। तो इसे एक बना के भी दिखाऊंगी इंडक्शन में कि कैसा लगता है। तो आप सबको ये कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।